हेलो चिल्ड्रंस, मैं अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 333 नंबर से बहुत ही आसान तरीके से पैरेट का चित्र बनाना सिखाएंगे, यानी तोता का चित्र। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा प्यारे बच्चों, तो आपको जो है 333 नंबर से पैरेट का चित्र बहुत ही आसान तरीके से बनाना आ जाएगा। और पैरेट का चित्र बनाने से पहले प्यारे बच्चों, आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आपको जो है पैरेट की स्पेलिंग आती है तो आप हमें कमेंट करके उसकी स्पेलिंग जरूर बताइएगा। फिर यहाँ पे एक पहले छोटा सा थ्री लिखिए, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों एक आपको ऐसे बड़ा सा थ्री लिखना होगा। ये हो गया हमारा यहाँ पे एक थ्री, फिर इसके बाद यहाँ पे थ्री हो गया। और हो सके तो प्यारे बच्चों आप मेरे साथ ही बनाते रहिएगा। अगर आप मेरे साथ बनाते तो ये मेरी 100% गारंटी है प्यारे बच्चों, आपको जो है 333 नंबर से पैरेट का चित्र बहुत ही आसान तरीके से बनाना आ जाएगा। अब देखिए, हमने यहाँ पे वन और टू, यहाँ पे दो थ्री लिख दिया। अब देखिए तीसरा थ्री आपको कैसे लिखना है। यहाँ पे आपको जो है एक छोटा सा थ्री लिखना होगा, लेकिन एक उल्टा थ्री लिखना होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान देना होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ आपको उल्टा थ्री लिखना है। यहाँ तक हो जाने के बाद अब देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, इस थ्री को बीच वाला जो थ्री है हमारा, यहाँ से इसको हमें ऐसे नीचे की तरफ ले जाना है। इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ से इसको हमें ऐसे हार्ट शेप में ऐसे हल्का सा लंबा सा बनाते हुए यहाँ तक ऐसे मिला देना होगा। मिलाने के बाद प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं कोई और ड्राइंग बनाऊँ, यानी आपके स्कूल में कोई प्रोजेक्ट मिला हो, कोई होमवर्क मिला हो, आपके टीचर ने, गार्जियन ने, या कोचिंग वाली टीचर ने, किसी ने भी आपको कोई होमवर्क दिया हो, किसी नंबर आपके मन में कोई या ड्राइंग हो, या कोई आप नंबर से या वर्ड से चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखा देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, ऐसे ऊपर की तरफ मिला देना होगा। स्टेप बाय स्टेप करते रहिएगा प्यारे बच्चों, आप केवल देखिए मत, मेरे साथ ही बनाते रहिए। फिर इसके बाद यहाँ से आपको करना क्या है, इसको हमें ऐसे आगे की तरफ बढ़ाना होगा। आगे की तरफ बढ़ाते हुए इस थ्री उल्टे वाले थ्री पे ऐसे मिला देना होगा। मिलाने के बाद यहाँ पे आप ऐसे वी लिखिए, एक वी हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको मार्क करके ऐसे आप ब्लैक कर दीजिएगा। फिर इसको नीचे की तरफ आप बढ़ा दीजिएगा। बढ़ाने के बाद अब आपको करना क्या है, देखिएगा यहाँ से आपको जो है इसको ऐसे मिला देना होगा। मिलाने के बाद यहाँ पे आप ऐसे मिला दीजिए, थ्री थ्री लिखिए, एक उल्टा थ्री लिखिए, फिर इसको हार्ट शेप में करिए, यहाँ से ऐसे मिलाइए। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। आगे की तरफ बढ़ाने के बाद यहाँ से ऐसे ये हो जाएगा पिकॉक का चोंच प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ ऐसे पिकॉक का नहीं प्यारे बच्चों, पैरेट बनाया, सॉरी माफ़ करिएगा, ये हमारा पैरेट है प्यारे बच्चों। पैरेट का ये हो गया चोंच, चोंच बनाने के बाद पीछे वाला हिस्सा हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे हम ऐसे आई बना देंगे प्यारे बच्चों। आई बनाने के बाद अब हम चलते हैं पैरेट को कलर करना भी सीख लेते हैं। तो चलिए कलर करना शुरू करते हैं।